मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। तुलसीदास के इस दोहे का मतलब है मीठे वचन हमेशा सुख देते हैं। रॉयल रेसिपी में हम हमेशा की तरह बात करेंगे रॉयल खाने और रॉयल घराने की, मेरे यानी शेफ शिप्रा खन्ना के साथ। जब भी हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं श्री गणेश जी, क्योंकि वो तो महाराज अधिराज हैं और कोई भी शुभ काम उनकी आज्ञा के बगैर या उनकी पूजा के बगैर हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम अपनी रॉयल रेसिपी की शुरुआत करते हैं उन्हीं का नाम लेकर और बनाते हैं शाही लस्सी। शाही लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर डालेंगे दही, शक्कर यानी कि शुगर, अ लिटिल बिट ऑफ कार्डमम पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसको एक ग्लास में ट्रांसफर करूंगी। इसे हम अच्छे से, पुराने ज़माने में मिक्सीज नहीं होती थी तो जनरली लस्सी या कोई भी ड्रिंक ऐसे ही बनाई जाती थी। और अब मैं इसको गार्निश करूँगी थोड़ी सी किशमिश, काजू, हल्का सा इसको कूट लेंगे। आपको शाही लस्सी है तो ड्राई फ्रूट्स तो होनी ही चाहिए। टू शार्पन योर माइंड, थोड़ा सा केसर। अब ये शाही लस्सी आप अपने घर पे भी बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं।